गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से और जो टेंस है, पहले टेंस का पहला भाग प्रेजेंट, इंडेफिनेट या सिंपल है उसे लेकर के, और फ्यूचर टेंस का जो अंतिम टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात 12 टेंस हैं, उनके बारे में एक साथ है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने अलग अलग टेंस है वो पढ़ दिए हैं, अब हमको एक साथ में किस तरीके से और इसके एक सारणी के माध्यम से और प्रत्येक टेंस की पहचान, नियम, सूत्र आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखना, समझना, सुनना, कैसे एकाग्रचित होकर, ताकि आपको पूरे 12 टेंस हैं उनको एक साथ फिर से एक रिवीजन के रूप में, दोहरान के रूप में फिर से वीडियो मिल सके। तो आओ हम शुरुआत करते हैं टेंस वाइज। जैसे यहाँ पर हमने लिखा प्रेजेंट, यहाँ पर हमने लिखा पास्ट, यहां पर हमने लिखा फ्यूचर। ये तो थे हमारे मूल जो टेंस हैं वो। टेंस कितने थे कि चार, तीन प्रकार के थे। तीन में प्रत्येक जो टेंस है उसके कितने भाग हैं कि प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, उन चारों भागों के क्या क्या नेम है। तो पहला जो हमारा टेंस था प्रेजेंट का, पहला प्रेजेंट है इंडेफिनेट या उसको हम बोलते हैं सिंपल। तो उसकी क्या पहचान थी, क्या पहचान थी हिंदी वाक्य टेंस में? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि सब। इसका यही करते ना कि जिस हिंदी वाक्य टेंस में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। नियम क्या था? अगर कर्ता एकवचन है तो वर्ब में एस या एस लगाओ, कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और सहायक क्रिया कर्ता एक वचन के साथ में डज तो बहुवचन के साथ में डू, डू और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये था हमारा नियम। सूत्र देखो, सूत्र है हिसाब से लेंगे तो थोड़ा हमारा वाक्य लंबा चला जाएगा, इसलिए हम सूत्र को, सूत्र तो अस्थाई है, पहले कर्ता लेते हैं, फिर सहायक क्रिया लेते हैं, फिर मुख्य क्रिया लेते हैं, फिर कर्म लेते हैं, इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हमारा आता है कौन सा, कंटिन्यूस टेंस। क्या आता है? कंटिन्यूस। पहचान थी क्या थी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द हो गया। तो इस टेंस का नियम क्या था, क्या नियम था इस टेंस का? हमारा नियम था कि यदि हमारा कर्ता एकवचन, कर्ता एकवचन यानी ही, शी, इट, किसी का नेम
या सिंगुलर नाउन भाव उसकी क्रिया इज, और कर्ता बहुवचन दे यू वी है तो उसकी क्रिया आर, और आई के साथ में मुख्य क्रिया आई के साथ में उसकी क्रिया इज लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि मुख्य क्रिया का मतलब है वर्ब में आई एन जी, मुख्य क्रिया में आई एन जी लगेगा। अब एक बार फिर समझो इसको कि कहता ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन एक वचन हो तो सही क्रिया इज, कर्ता बहुवचन दे यू वी है तो सही क्रिया आर, और यदि कर्ता आई है तो सही क्रिया एम लगेगा, और जो हमारी मुख्य क्रिया है जिसको मेन वर्ब बोलते हैं उसमें आई एन जी लगेगा, क्योंकि इसमें पहचान रहा रही रहे आदि सब आ रहा है। अब हमारा तीसरा टेंस आता है, वो आता है परफेक्ट। क्या आता है? परफेक्ट। तो परफेक्ट का पहचान क्या था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आदि शब्द आता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। नियम क्या था? कर्ता एक वचन है तो सही क्रिया हैज, कर्ता बहुवचन है तो सही क्रिया है, और मुख्य क्रिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। यह था हमारा फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। अब आता है परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूशन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूशन। जब परजेंट पढ़ रहे हैं तो परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूशन, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन। तो यहां पर क्या आ गया? कोई कार्य किसी समय से कर रहा, अर्थात यहां पर हम लिखेंगे कि कोई कार्य किसी समय से कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं और कर रहा हूं। समझना, वैसे आपको पहले लिखाया हुआ है, कोई बात नहीं समझ पाता, लेकिन जो बोल रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दें। अगर इस वाक्य का कर्ता एक वचन है तो सही क्रिया, एक वचन मतलब ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन तो सही क्रिया हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन। यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो सही क्रिया हो जाएगा हैव बीन, तो मुख्य क्रिया में लगा देंगे आई एन जी। अब इसमें सेंस और फॉर दिया गया, समय की निश्चित है तो लगाएंगे सेंस, और अनिश्चित है तो लगाएंगे फॉर। इतने में आप समझ लेना कि ये सही आ रहा है या नहीं। हो सकता है आपको थोड़ी चीजें नीचे जा रही होंगी, लेकिन आप इतना समझ लेना कि यहाँ पर क्या है चौथे में, ये थोड़ा जरूर समझ आप लेना है, आगे जो थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसको, कि कोई कार्य किसी समय से कर रहा है, कर रही है, कर रही हैं, कर रहा हूं आदि शब्द आते हैं। तो अब जो प्रेजेंट के जो चार भाग हैं वो हमारे हो गए, अब लेते हैं हमें जो पास्ट के जो चार भाग हैं, वो पास्ट के चार भाग कौन से हैं। पास्ट के चार में लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहला आता है पास्ट सिंपल, क्या पहचान थी इसकी? या, ई, ये, आ, ई आदि शब्द, आई आदि शब्द था, कि जैसे खाना खाया, भोजन बनाया, पानी लाने गई,
अर्थात आदेश के शब्द है वो यहां आते हैं। तो इसका नियम क्या था? एक नियम था कि सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सभी कर्ताओं के साथ हम यहां पर लिख सकते हैं आर सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक है तो सहायक क्रिया लिखेगी डिड और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया हुआ है हमारा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पहचान थी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो नियम क्या था कि कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन प्लस आई के साथ में सहायक क्रिया वाच, कर्ता बहुवचन दे यू वी के साथ में सहायक क्रिया वर, तो मुख्य क्रिया में आई एन जी, क्योंकि रहा रही रही आ रही मुख्य क्रिया में आई एन जी, यहां रहा रही है तो आई एन जी। देखो कंटिन्यूस रहा रही, कंटिन्यूस रहा रही, कंटिन्यूस में आई एन जी, कंटिन्यूस में आई एन जी। अगला टेंस आ गया हमारा परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है? पास्ट परफेक्ट में क्या है पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द। अब इसमें हमने दो प्रकार के वाक्य पढ़े थे। दो प्रकार के वाक्य कौन से? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो साधारण चल रही है, सेकंड टाइप में वो थे जिसमें अप टू बिफोर का प्रयोग किया था। तो कहने का मतलब है आर सब्जेक्ट, आर मान सभी, सब्जेक्ट मान कर्ता के साथ में सहायक क्रिया एक लगेगी हेड और मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहां देखो हैज है प्रीफिक्स में थर्ड फॉर्म, यहां पर थर्ड फॉर्म। अब यदि वाक्य आफ्टर बिफोर वाला है तो इधर से यहां पर बिफोर है और यहां पर जैसे आफ्टर है, तो ध्यान रहे बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बस हो गया। इसी प्रकार जो पास्ट का चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें क्या है? कोई कार्य, कोई कार्य किसी समय से कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे आदि शब्द। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आर सब्जेक्ट। आर सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया है कि आर सब्जेक्ट का मतलब होता है सभी कर्ताओं के साथ, आलमोस्ट सभी सब्जेक्ट माने कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया लगेगी हैड बीन। गौर से देखो यहां पर था सभी कर्ताओं के साथ हैड, तो हैड के साथ में क्या गया? बीन। यहां पर था हैज और हैड, तो यहां पे क्या गया? हैज बीन, हैव बीन। तो और वर्ब क्या होगी? वर्ब के आई एन जी, वर्ब में आई एन जी, यहां वर्ब में आई एन जी, यहां वर्ब में आई एन जी। अब शेष फॉर वाली बात यही आ जाएगी। यदि दिया गया वाक्य में समय निश्चित है तो शिन्स, अर्थात यहां देखेंगे निश्चित समय है तो शिन्स, और ए निश्चित समय है तो फोर, बस इतना ही समझना है। दिया गया वाक्य, वाक्य में दिया गया समय निश्चित है तो शिन्स आ जाएगा,
और एन निश्चित है तो 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा इधर का ये टेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसकी पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो नियम क्या है, इसका नियम है अब हमें कर्ता एक वचन बहुवचन नहीं पढ़ना है, क्या है कि कर्ता आई वे वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा सेल, बाकी कर्ताओं के साथ सही क्रिया आएगी विल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म सेल और विल मॉडल है, मॉडल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर हम इसको मॉडल नहीं मानकर वैसे ही देखें टेंस के हिसाब से तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अब दूसरा टेंस बात आता है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो इसकी पहचान क्या है, पहचान रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदि पहचान होगी। तो इसका नियम क्या है, नियम वही चलेगा, क्या कर्ता आई और वी के साथ में सही क्रिया शैल बी, कर्ता आई और वी के साथ सही क्रिया शैल बी और बाकी शेष कर्ताओं के साथ है तो हम लिख सकते हैं शेष कर्ताओं के साथ विल बी। यहां हमें समझना है शेष कर्ताओं के साथ सभी कर्ताओं के साथ ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी एक शब्द आप पकड़ लेना उन चार वर्ग बिगी एंड विल बी, तो वी आर बी वर्ब में रहा रही है तो वर्ब में आई हो गया। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान है चुका होगा चुकी होगी, चुका होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी और चुके होंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। सही क्रिया नियम क्या है, नियम यही है कि कर्ता आई वे वी के साथ में सही क्रिया सेल है, आई और वी के साथ में सेल है और यहां पर मैं लिखता हूं आर सब्जेक्ट के साथ में सही क्रिया विल है तो इसके साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो परफेक्ट थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट से थर्ड फॉर्म ये हो गया। अब हमारा चौथा टेंस, चौथे का चौथा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमने आज पढ़ा था क्या है, कोई कार्य किसी समय से, कोई कार्य किसी समय से कर रहा होगा कर रही होगी आदि सब। तो नियम इसका क्या है, इसका नियम है कर्ता आई और वी के साथ सही क्रिया सेल हैव बीन, पढ़ा था ना हमने अर्थात कल वाले वीडियो में पढ़ा था ना कि कर्ता आई और वी के साथ में सेल हैव बीन, देखो यहां पर क्या है सिर्फ सेल और विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा शैल हैव बीन विल हैव बीन, बाकी शेष कर्ताओं के साथ में विल हैव
been. और मुख्य क्रिया में ing, ये देखो सर, मुख्य क्रिया में ing, मुख्य क्रिया में ing, तो मुख्य क्रिया में ing. नीचे वाले बात जो हमने कल वीडियो में पढ़ा था, निश्चित समय है तो सिंस, निश्चित समय तो फॉर, क्या है निश्चित समय बराबर सिंस और निश्चित समय बराबर फॉर लगेगा, ये था हमारा. तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो 12 टेंस हैं, 1 2 3 4 प्रेजेंट के 4 आ गए, पास्ट के 4 आ गए, फ्यूचर के 4 आ गए. इसको हमने आज एग्जाई एक सारणी के रूप में कैसे एक साथ हमने इसका अध्ययन किया, इसका रिवीजन किया है, तो कि कौन से टेंस की क्या पहचान है, उसका क्या नियम है, वो एक साथ हमने पढ़ लिए इस वीडियो के माध्यम से. तो आप सभी बच्चे हैं, आपको भी क्या करना है, अच्छी तरीके से पहले सभी टेंसों की पहचान, नियम, सूत्र वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ना है. हमने सिर्फ यहाँ पर एक सूत्र शब्द है, वो सूत्र है वो छोड़ा है, क्यों कि सूत्र को हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सभी को हम एक साथ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमने उसको पॉइंट को सूत्र को छोड़ दिया. बाकी दो पॉइंट कौन से पहचान और नियम मैंने बता दिए हैं और सूत्र आप पढ़ लेना. तो जिस प्रकार मैंने एक सारणी बनाई, आप सभी टेंसों को अच्छी तरीके से पढ़ करके रफ कॉपी लेकर के और उसमें आप भी एक बार बनाने की कोशिश करना. सारणी जो तुम्हें आप सीधे लिख देना, ऊपर लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे लिखना पहचान किसकी क्या पहचान है, फिर लिखना नियम उसका क्या नियम है, फिर लिखना सूत्र क्या सूत्र है. इस तरीके से आप टेंसुगे आप ये अपने स्तर पर इसके आराम से बना सकते हैं. तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो वाला टेंस है उसके नियम सारणी, यानी जो हमने रिवीजन का जो कार्य किया है वो इसका आपके सामने हो गया. अब अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे शब्द जिसको कर्ता भी बोला जाता है, तो कहीं उसको प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, उसको प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है. तो वो क्या है प्रोनाउन्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्लस कुछ आपको वर्ब लिखाऊंगा मैं. तो प्रोनाउन जैसे ही, ही की तीन उत्तर फॉर्में, फिर शी, दे, आई, यू, ये जो जिसको हम कर्ता बोलते हैं इनके प्रत्येक दो दो तीन तीन फॉर्म होती हैं, जैसे आई की सेकंड फॉर्म माई है, मी है, माई सेल्फ है, माइन है. इसके बारे में कुछ ऐसे साधारण जनरल जिसको मीनिंग बोलते हैं, जो बार बार हम पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ते हैं अंग्रेजी के, आते हैं हीज, हिम, हर, माई, माइन, योर, योर सेल्फ, माई, माई सेल्फ, है, ही, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरीके से. तो अगले वीडियो में मैं आपको उन प्रोनाउनों के बारे में और बताऊंगा, प्रत्येक आम यहाँ पे हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, यानी एक मीनिंग के तौर पर, ताकि वो एक बार याद हो जाएंगे तो फिर इन संबंधी आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी. तो आज इस वीडियो में इतना ही. आप सभी बच्चे इस वीडियो को शुरुआत से तक एकाग्रचित होकर के समझे, सुने, पढ़े, देखें और जो चीज नोट करनी होगी उसको नोट करें. कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में आया है, इसे पहले वाले वीडियो में जो लास्ट टेंस है उसके बारे में, जो इस वीडियो में एक साथ हमने सभी टेंसों का पुनः एक बार रिवीजन किया है, अध्ययन किया है, तो मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, आज ये तरीके इस तरीके से रिवीजन जरूर करें. स्वस्थ रहें, घर पर रहें. धन्यवाद.